प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 13 नए मरीज सामने आए हैं। अब राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 130 के पार हो चला है। साथ ही प्रदेश के 15 जिलों में इसका दायरा भी बढ़ गया है, जिसमें धौलपुर, भरतपुर और उदयपुर में कोरोना के पहले मामले सामने आए हैं, जबकि जयपुर के रामगंज में 7 नए मरीज सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों में ईरान से लाए गए भारतीयों में 18 और 14 तबलीगी जमात के लोग भी शामिल हैं। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने चिंता जताई है। रघु शर्मा ने कहा कि सरकार और चिकित्सा महकमा बड़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है और अब तक 21 कोरोना के पॉजिटिव की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है, जिसमें से 11 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। मंत्री शर्मा ने कहा कि चिकित्सा विभाग ने जिस तेजी से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काम किया है, उसकी केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के डॉक्टर्स को रैंडम सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। चौबीस घंटों में राज्य में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या एकदम तेजी से बढ़ी है। आज दोपहर तक 2 बजे तक जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसमें कुल 133 लोग पॉजिटिव केस के रूप में चिन्हित किए गए हैं और 7,984 सैंपल्स का टेस्ट अभी तक हमने किया है। उसमें 650 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट अभी आना बाकी है। 3 लोगों की कुल मृत्यु हुई है अभी तक राज्य में, 2 पहले और 1 आज। अलवर जिले के कठुमर के रहने वाले एक 85 वर्षीय व्यक्ति का आज SMS अस्पताल में निधन हुआ है, वो भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव थे। कुल चिकित्सा विभाग की टीमों ने राजस्थान में अब तक 27,000 टीमें थी जो फील्ड में गई एक्टिव सर्विलेंस के तहत, घर घर जाके सर्वे करने के काम। उसमें उन्होंने 98,57,493 परिवारों का घर घर जाके सर्वे किया है और करीब राज्य की 4,16,58,196 लोगों की व्यक्तिगत स्क्रीनिंग का काम किया है। अब आज प्रधानमंत्री जी के साथ भी मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है और राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं, चाहे यहाँ के चिकित्सा विभाग ने, चाहे लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति के तहत दूसरे विभागों ने जो जो स्टेप उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया गया। उन्होंने भी राज्य के द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और जो भविष्य में क्या मेजर्स लिए जाने हैं उसके बारे में भी विचारों को एक्सचेंज किया गया। राजस्थान में जो क्वारंटाइन बेड की फैसिलिटी 1,00,000 की चिन्हित करने का काम तय किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, अभी तक 97,000 बेड हम चिन्हित कर पाए हैं और करीब 20,000 आइसोलेशन के वार्ड भी, बेड भी, 20,000 बेड आइसोलेशन के वो भी हमारे पास तैयार है। वेंटिलेटर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। N95 मास्क वो 70,534 है और इसके अलावा 11,442 PPE किट वो हमारे पास उपलब्ध है। बफर स्टॉक में PPE किट 3,161 है और N95 मास्क 36,764 है। ये OPD के अंदर जो पेशेंट्स आए हैं जिनको वहां स्क्रीन किया गया, वो भी 33,28,000 रोगी है जिनको OPD में आने के बाद स्क्रीनिंग किया।